अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजिया। आज हम आप लोगों के साथ साउथ इंडियन की मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। चटनी, इडली, डोसा, कोई भी स्नैक्स के साथ आप लोग इसको खा सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम प्यारी सी चटनी बनाएंगे। ये देखिए, ये इमली है, इसको अच्छे से हम धुल लिए हैं, इसके रेशे भी निकाल लिए हैं। और ये टमाटर है, ये दो टमाटर है, ये नारियल, फ्रेश नारियल है ये। और ये चार मिर्च है, इसको हम बीच से चीरा लगा दिए हैं। और ये कुछ लहसुन की कलियां हैं और ये प्याज है। तो आइए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक पैन चढ़ा दिया है, अब उसी में हम ये सारी सब्जियों को डाल देंगे। ये प्याज है, ये हरी मिर्च है, ये नारियल है, ये लहसुन की कली और ये इमली। इमली से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा चटनी में। और इसको हम बॉईल होने देंगे। अब ये सारी चीज़ को हम सॉफ्ट होने तक सब्जियों को पकाएंगे। अब इसको हम ढक देंगे। ये सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए, ये ठंडा हो गया है। अब हम चटनी बना लेंगे। अब इसके लिए एक मिक्सी जार लेंगे, उसी में सारी चीज़ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी जार में। और आप लोग कभी भी इसमें पीसिए ना, तो इसको ठंडा करके ही पीसिएगा, नहीं तो इसमें गैस बन जाती है और जो भी ढक्कन वगैरह होता है ना, ये उड़ जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठंडा होकर ही आप लोग चटनी वगैरह कुछ भी बनाइएगा। अब ये सेंगदाना है, इसको हम भून लिए थे। सेंगदाना से बहुत अच्छी चटनी हमारी बनेगी, चटनी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से आप लोग नमक ले सकते हैं। अब चटनी को हम पीस लेंगे। चटनी में हम सांभर मसाला डाल देंगे और इसको हम फिर से पीस लेंगे। इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, इससे चटनी हमारी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी चटनी हमारी। चटनी के लिए एक तड़का हम लगाएंगे, उसमें हम ज़ीरा डाल देंगे और ये राई है, राई को भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और एक कड़ी पत्ता है, चटकने देंगे हम सारी चीज़ को। अब इसमें हम कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, इससे हम चटनी में तड़का लगाएंगे, इससे बहुत ही यम्मी चटनी हमारी बनेगी और माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तड़के से। अब इसको हम एक मिनट के लिए और हम इसको भून देंगे, थोड़ा सा लाल हो जाए तब तक हमको पकाना है। अरे देखिए, तड़का हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, चटनी हमारी पिस गई है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे चटनी को। अब इसमें हम एक तड़का लगाएंगे, ये तड़के से चटनी का टेस्ट बहुत ही यम्मी हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम मिक्स कर देंगे। आप लोग ये चटनी को ना इडली, डोसा, अप्पम के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह सबको बहुत अच्छी, बहुत पसंद आएगी ये चटनी। आप लोग देख सकते हैं कि ये चटनी का कलर कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चटनी से। हमारी प्यारी यूनिक सी चटनी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी वो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।